हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं प्ले डेट गेमिंग। तो भाई लोग, आज अपन कंट्रोल सेटिंग की जो सेटिंग बच गई थी आगे की, उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर जो सेटिंग बच गई थी उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अपन चलते हैं ग्रेनेड स्लॉट के अंदर। इसमें दो ऑप्शन मिल जाएंगे, कुछ सिंगल एंड डबल। तो सिंगल पे आप क्लिक कर देंगे स्लॉट के ऊपर, तो आपको सिंगल स्लॉट में आपको सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे को ये सबसे बेस्ट लगती ट्रिक, तो इसको आप सिंगल ही रखें। ठीक है, और आप डबल डबल भी आपको दिखाता हूँ डबल में क्या होता है। डबल में आपको देखिए ग्लू वॉल का अलग मिल जाएगा, ग्रेनेड का अलग मिल जाएगा। ये सेटिंग मेरे को इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसमें एक ऑप्शन बढ़ जाता है। तो आपको अच्छी लगती हो तो आप कर सकते हैं, पर मेरे को तो अच्छी नहीं लगी ये सेटिंग। ठीक है, तो आप इसको सिंगल स्लॉट पे रखें। ठीक है, डबल स्लॉट में मज़ा नहीं आएगा। आप चलते हैं अगली सेटिंग के ऊपर, इसका नाम है होल्ड फायर टू स्कोप। तो इसको आप ऑफ कर देंगे स्कोप, तो आप राइट साइड फायर करेंगे तो आपकी सिंपल सी गन यानी AWM चलेगी, स्कोप नहीं खुलेगा। ठीक है, आप इसको ऑन करके रखें, मैं तो आपको बोलूँगा हमेशा ऑन रखें। ऑन रखेंगे तो आपका राइट साइड का बटन आप जैसे प्रेस करेंगे आपका स्कोप सीधे खुल जाएगा। ठीक है, तो मैं तो ऑन रखता हूँ, ज़्यादातर प्रो प्लेयर भी ऑन रखते हैं। ठीक है, तो आप भी ऑन रखें। ठीक है, अगली सेटिंग है अपनी क्विक रिलोड की। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होता है, सिंपल से आप गन रिलोड कर सकते हैं। इसको दो ऑप्शन मिलेंगे ऑन ऑफ का। आप इसको ऑन कर देंगे तो आपको सिंपल सा ऑप्शन मिल जाएगा गन रिलोड करने का। आपकी दो तीन गोली बची और आप इससे गन रिलोड कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, अपन चलते हैं अपने वेपन स्विच के ऊपर। वेपन स्विच ज़्यादातर लोगों हेड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, वन टैप ओनली, वन टैप के लिए वेपन स्विच बहुत बहुत मायने रखता है। ठीक, तो आप कभी भी वन टैप मारे तो आपको वेपन स्विच रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अपनी अगली सेटिंग के ऊपर जिसका नाम है लेफ्ट फायर बटन। इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑलवेज एंड ओनली स्कोप। तो आप ऑलवेज रखेंगे तो आपको ऑलवेज दिखता रहेगा वो। ठीक है, तो ऑलवेज रखने में ज़्यादा फायदा नहीं है। आप ज़्यादातर बंदे इसको ओनली स्कोप रखते हैं, तो आप भी सिंपल सा इसको ओनली स्कोप रखें। मैं भी इसको ओनली स्कोप रखता हूँ। आप इसको ओनली स्कोप रखेंगे तो जब भी स्कोप खोलेंगे जब भी आपको ये फायर बटन दिखेगा। ठीक है, तो आप इसको ओनली स्कोप कर दीजिए। चलते हैं अपनी अगली सेटिंग के ऊपर, जो फाइनल सेटिंग है अपनी। ठीक है, इसमें आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, डिफॉल्ट, रिवर्स ऑन स्कोप और फुल कंट्रोल। तो अपन एक एक करके तीनों सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो सेटिंग है डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में आपको दिख रहा होगा मेरी जो सामने जो एडम खड़ा है उसको मैं दूर से भी गोली चलाऊंगा तो उस पर बॉडी पिक कर लेगी। ठीक है, तो देखिए मैं इस पर दूर से गोली चला रहा हूं तो उसकी बॉडी पिक कर रही है। और आपको दिख रहा होगा कि मेरे जो फायर करने का जो ऑप्शन है, जो मेरा पॉइंट है, उसको रेड रेड हो रहा है। देखो मैं दूर से भी इसको दूर से भी निकाल रहा हूं तो रेड हो रहा है। तो उसमें फायर कर दूंगा तो उसके ऊपर बॉडी ऑटोमेटिक पिक कर लेगी। तो डिफ़ॉल्ट में ये होता है। ठीक है, अपन चलते हैं अगली सेटिंग के ऊपर, प्रीवियस ऑन स्कोप। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी अपन देख लेते हैं। इसमें भी सिंपल सा वही होता है, सेम डिफ़ॉल्ट जैसी सेटिंग रहती है इसकी भी। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम रहती है कि आप कभी भी स्कोप खोल के बंदे को मारोगे ड्रैग हेडशॉट नहीं लगेगा। ठीक है, आपको बंदे को ड्रैग हेडशॉट नहीं मार सकते स्कोप खोल के। ठीक है, तो आप इसको सिंपल से रेटिंग है। अब चलते हैं अपने फुल कंट्रोल। तो फुल कंट्रोल में आपको दिख रहा होगा जो एडम है उसके आसपास रेड निशान नहीं आ रहा है। तो अपन आप बंदे को कैसे मारोगे फुल कंट्रोल में, इसलिए सेटिंग बेकार है, इसको आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो आपको सिंपल सी सेटिंग यूज़ करना है जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट। तो ठीक है, डिफ़ॉल्ट पे आप रखें और डिफ़ॉल्ट पे आपका गेम प्ले ओपी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों सेटिंग नहीं रखना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ नाम कौन कौन सी सेटिंग आपको नहीं रखना है। जिसका नाम है प्रीवियस ऑन स्कोप और आपको रखना नहीं है कि फुल कंट्रोल। ये दो ऑप्शन आपको रखना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वेस्टेज है, कोई काम के नहीं है। आपको उसे सिंपल सा डिफॉल्ट रखना है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बता देना और लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और वीडियो चाहिए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब करने का आपको एक इजी तरीका बता देता हूँ कि आपको ऐसे में उस बंदे को हेड शॉट मार रहा हूँ, वैसे आप जो लाल वाला बटन दिख रहा है उसको आपको हेड शॉट मार के सफ़ेद कर देना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।